कंप्लीट मिला के खाद पानी वगैरह सब मजदूरी वगैरह 5,000 सब मान लो आप। 5,000 रुपए लागत लगे उसमें कितना कमा लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे एक को न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज बात करेंगे सब्जी मंडी में कुछ किसानों से, कुछ व्यापारियों से, और आपको बताएंगे सब्जियों का क्या कुछ भाव रहा है। तो बने रहेगा आज के इस वीडियो में, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, फटाफट से जाइए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, जिसमें मैं बताता हूँ सब्जियों के होलसेल भाव, रिटेल भाव, और बात करते हैं किसानों से और आपके लिए जानकारी लाते रहते हैं नई नई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और काफ़ी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, करीब 90% लोग वीडियो देख रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 9 या 10% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बाकी आप देख सकते हैं बाकी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ यार फटाफट से सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, तो सपोर्ट कीजिए। आज मैंने किसान से बात करी थी, जिसने बताया 5,000 रुपये लौकी में लागत लगा के उसने कितना अच्छा मुनाफा गेन किया है, तो वो है आगे आपको देखने को मिलेगा। और वहीं एक कल मैंने वीडियो डाला था, जिसमें किसान ने बताया कि उसने कितने पैसे लगाए, लेकिन उसे बिल्कुल भी पैसे के मतलब मुनाफा नहीं मिला, बल्कि उसको घाटा ही हो रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आए तो करना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। खर्चों लोग लागे लो दोस्तों, देखिए आज भिंडी की क्वालिटी और ये कुछ आज भिंडी की कंडीशन रही है भैया, आज थोड़ा भिंडी में तेजी रही है और भिंडी क्वालिटी में है, ये देख सकते हैं। और जो आज भिंडी की रेट चली है भैया 30 रुपए किलो का भाव रहा, भिंडी अच्छी क्वालिटी में है इसलिए देख सकते हैं आप। और ये कुछ देखिए क्वालिटी भिंडी की 30 रुपए किलो का आज का भाव रहा भिंडी का, खर्चा अलग है इस पर, टैक्स है, जो भी आ रहे हैं ये सब इधर किसानों का माल है, किसानी बेच रहे हैं, ये देख सकते हैं 30 रुपए किलो का आज का भिंडी का बाजार चला भैया। देखिए दोस्तों आज आपको बताते हैं टमाटर का भाव, ये देख सकते हैं आज की टमाटर की ये कुछ क्वालिटी रही है, देखिए। और जो अभी टमाटरों में भैया थोड़ा रेटे डाउन हुई है, कम हुई है रेटे, बताएंगे आज आपको क्या कुछ भाव चला है टमाटर का भाव, ये देख सकते हैं कुछ क्वालिटी टमाटर की आज की है। सुबह गाड़ी आई थी, फिलहाल अब खाली हो चुकी है गाड़ी भी, इनके थोड़ा ही बचा माल देखा देता हूँ मैं। देखिए ये टमाटर की कुछ क्वालिटी, बारिश की वजह से देखिए थोड़ा मिट्टी मिट्टी लग रही है, इनमें थोड़ा क्या गीला हो जाता है, बाहर का आ रहा टमाटर अभी, तो बताऊंगा आज आपको भाव क्या भाव रहा। देखिए वैसा अभी जो टमाटर आप देख रहे हैं, टमाटर आ रहा भैया लातूर का आ रहा, और 40 से 45 रुपए किलो का आज इसका बाजार रहा, ये कुछ टमाटर की क्वालिटी रही है देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों देखिए आज आपको बता देता हूँ मैं भिंडी का भाव क्या कुछ भाव रहा, ये देखिए भिंडी आज भिंडी की काफी अच्छी आवक रही है मंडी में, ये देखिए आज भिंडी फुल आई हुई है, और इस वजह से क्या है भिंडी में रेटे भी अभी थोड़ी कम हुई है, देख सकते हैं अभी लोकल माल ज्यादा आ रहा है भिंडी के अंदर, आसपास के गाँव का ही है, ये देखिए क्वालिटी भी काफी अच्छी आ रही है, ये देखिए बता देता हूँ ये कुछ भिंडी की क्वालिटी रही है, तो बताएंगे आज आपको क्या कुछ भाव चला भिंडी का और कितनी क्या आवक रही है मंडी में, जानेंगे तो बने रहिए आज के इस वीडियो में। टाइम से बात करो, चाहिए क्या भाव जी आज भिंडी का क्या भाव रहा, भिंडी का भाव बेची आज भिंडी 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो होलसेल भाव क्या, थैली का भाव बताओ आप, थैली का भाव 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो आज देखिए थैली का भाव चला भैया 15 से 20 रुपए किलो है, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से है। और अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, तो वो भिंडी थी जो 30 रुपए किलो तक भी बिकी है, तो क्वालिटी के हिसाब से रेटे हैं, और ये जो भिंडी देख रहे हैं ये आज की कुछ भिंडी क्वालिटी रही है। भिंडी 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 तो भाऊ जी कहाँ के आ रही है ये भिंडी, भिंडी खानपुरा, खानपुरा से ला रहे हो, अच्छा आप किसान हो, अच्छा जी, तो कितना क्या माल लेके आयो आज भिंडी में, आज मंडी में 20 थैली लाए हो, तो अभी कैसा प्रॉफिट कैसा मिल रहा है भिंडी के अंदर आपको, कमाई कैसी मिल रही है इसमें, डाउन हो गई थी अभी भी वैसे डाउन ही चल रही है, पहले तो शुरू में तो रेट तेज थी,
तो अभी जैसे आप कितनी लागत लगा दी आपने भिंडी के इसमें? ये वो मुजरिम लागत तो यार वो 3.5 बीघा भिंडी कम से कम 1.5 लाख के आसपास लगा भिंडी के अंदर। और फिर अभी तक आपने इसमें कितना कमाया? अच्छा अभी तो खर्चा निकल रहा है, खर्चा निकल रहा है और अभी तो और आएगी, अभी तो आएगी है ना। तो देखिए ये कुछ भिंडी की आज की स्थिति रही है, पोजीशन रही है और ये आज की भिंडी का भाव है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज की भिंडी का भाव और आपको बताएंगे, तो बने रहेगा आज के इस वीडियो में। इधर देखिए भैया करेले, करेले की कुछ क्वालिटी रही है, करेले का बता देते हैं। हाँ जी भैया, करेला क्या भाव चला आज? करेला 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो भैया करेला, देख सकते हैं ये कुछ करेले की क्वालिटी है, देख सकते हैं। ये देखिए स्टार करेला भैया, स्टार करेला ये देखिए 20 रुपए किलो का बाजार है इसका भैया। और कितनी क्या हो गया अभी करेले में? करेले में एक गाड़ी है। अच्छा एक गाड़ी है। और ये यहाँ का लोकल करेला है, देसी। ये देसी करेला है, ये देखिए। तो ये तो लोकल है और ये जो स्टार करेला आ रहा है ये एमपी का करेला, ये एमपी का भाई साहब। और ये क्या भाव, दोनों एक ही भाव है? ये 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो। अच्छा ये 10-15 रुपए किलो है लोकल, और जो ये अभी एमपी वाला आया स्टार करेला ये 20 रुपए का भाव चला इसका, देख सकते हैं ये कुछ क्वालिटी रही करेले में। और भी जी फोर मिर्ची ये क्या भाव चल रही है? 50 रुपए। ये देखिए जी फोर मिर्ची का भाव क्या थोड़ा हमेशा तेज रहता है, ये कुछ क्वालिटी रही है जी फोर की, देख सकते हैं 50 रुपए किलो। गोभी 30 रुपए किलो, गोभी भैया 30 रुपए किलो, ये देख सकते हैं खराब हुई इसलिए भाव गिर गया, भाव गिर गया अभी 30 रुपए से लेकर 60 रुपए किलो तक चल रही है गोभी का भाव, बढ़िया माल 60 रुपए किलो तक है, तो ये 30 रुपए किलो है अभी फिलहाल इनके पास में। और इधर देखिए काचरे, काचरे का बता देता हूँ, काचरा क्या भाव रहा भैया? 12 रुपए किलो भैया काचरा, हाई फ्रूट काचरा देख सकते हैं, ये कुछ क्वालिटी नहीं है काचरे की। तो अभी जो ये काचरा है और ये जो गोभी वगैरह आदि कहाँ की है? ये यहाँ लोकल आसपास के गांव के, गांव लोकल आसपास की है, ककलाना है, तबीजी है, सुराधना है। अच्छा यही आसपास की है। अभी कैसा है? केसर उभरा है, बैंगन है। अभी बाजार कैसा है, बिक्री कैसी चल रही है? बिक्री तो थोड़ी सी हल्की है, अभी बारिश के कारण से गिराई कम है, गिराई कम है अभी। मामला थोड़ा अभी क्या है डाउन ही है भैया, गिराई कम है, मंडी के अंदर माल की आवक फूल रही है। और ये देख सकते हैं भैया 20 रुपए किलो आज पालक, 20 रुपए किलो हो गया भैया पालक का भी भाव, क्या आगे थोड़ा गिरा है, पहले थोड़ा तेज चल रहा था पालक 15-20 के आसपास। पोर्ट का होलसेल पोर्ट का भाव रहा, ये देख सकते हैं पालक के कुछ को बताते हैं क्या कुछ रेटे चल रही है। देखिए अभी लौकी की तो बम्पर पैदावार हो रही है, बम्पर आवक है मंडी में, लौकी अभी फुल आ रही है देख सकते हैं आप, और लौकी के रेटों में भी काफी ज्यादा गिरावट आई है। तो जानेंगे आज का भाव लौकी का क्या कुछ रहा है, ये देख सकते हैं लौकी की क्वालिटी। हाँ जी भैया नमस्कार जी, नमस्ते भैया। तो आज लौकी क्या भाव चली? लौकी 12 है, 15 भी है, 10 भी है, 5 भी। अच्छा तो ये आप लेके आ रहे हो लौकी? हाँ लौकी हमारी है ये। अच्छा ये देखिए भाई साहब, गेट में एक मिनट, ये देखिए भाई साहब ये किसान है और ये लेके आ रहे हैं लौकी, ये 3 नंबर लौकी, और 5 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो तक आज लौकी का भाव चला है, 1 नंबर लौकी है। अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग रेट है, तो ये देख सकते हैं आप ये बड़ी साइज में आ रही है लौकी, तो ये बड़े साइज वाली बता देते हैं पहले आपको, ये बड़े साइज वाली क्या भाव चली भैया लौकी? ये 10 भी चल रही है, 8 भी चल रही है, ये 8-10 रुपए किलो का इसका बाजार है, बड़े साइज में है, इसमें छोटी बड़ी दोनों मिक्स में है। और ये कुछ लौकी की इसकी क्वालिटी रही है। और एक ये देखिए भैया जो छोटे साइज में आ रही है, बढ़िया एक नंबर माल, वीआईपी माल है ये देखिए, तो इसका बता देता आपको। ये कैरेट वाले क्या भाव चली भैया लौकी? ये 15 में दिए, ये देखिए वैसा 15 रुपए किलो इसका भाव रहा, तो ये कुछ क्वालिटी रही है। और क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग रेट है, अलग अलग जैसे सस्ती भी है तो महंगी भी है, तो ये कुछ इसके लौकी के रेट रही है। तो भैया अभी जब आप लौकी ला रहे हो कितना माल लेकर आए हो आज मंडी? मैं 500 किलो जाता हूँ, कभी 300 किलो जाता हूँ। तो मतलब अभी पैदावार अच्छी हो रही है, बम्पर पैदावार हो रही है लौकी की? आपकी बार तो अच्छा मुनाफा हुआ, मुनाफा अच्छा हुआ आपकी बार, आपकी बार क्या देखिए मौसम अच्छा होने से, और थोड़ा अभी क्या है कि बारिश वारिश भी हो रही है, तो इस वजह से क्या है कि अच्छी आवक हुई है और किसानों को भी गिर गया भाव, 2-3 दिन से भी गिरा, बाकी पहले तो भाव तेज ही था लौकी का, 35-40-45-50 तक बेची, 45-50 रुपए तक बेची, उस टाइम अच्छा मुनाफा कमाया होगा आपने भी। इसमें कितनी लागत लगती है, मतलब लौकी जैसे भी आपने लगा रखी है तो इसमें कितनी लागत लगाई आपने?
लागत तो क्या है 800 का बीज आया था। अच्छा, और मतलब कुछ 3,000 का है। तो कंप्लीट मिला के खाद पानी वगैरह सब मजदूरी वगैरह सब 5,000 रुपए लागत लगे, उसमें कितना कमा लिया आपने? 1,00,000 की हुई है। 1,00,000 रुपए 5,000 की लागत में। तो देखिए भाई साहब, यह है कई बार किसानों को काफी अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है तो कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये सारा डिपेंड करता है वेदर के ऊपर, मौसम के ऊपर। मौसम अगर सही रहता है, साथ देता है मौसम, तो अच्छी कमाई भी होती है। जमीन का फर्क पड़ता है जमीन पे। इसमें जैसे ज्यादा आवक के लिए क्या किन चीजों पे मतलब जरूरी होती है फसलों के लिए, जैसे मौसम हो गया, कोई जमीन हो गई, दवाई पानी हो गया, खाद पानी? दवाई भी नहीं छाटी। अच्छा, दवाई भी नहीं छाटी? नहीं, दवाई भी नहीं छाटी। तो आप कौन से गांव से लेकर आ रहे हो अभी? राजोसी नसीराबाद। राजोसी नसीराबाद। तो देखिए राजोसी नसीराबाद की जमीन क्या कुछ ज्यादा उपजाऊ है, और वहाँ पे देखिए ये क्वालिटी और अच्छी आवक रही है, और इनको ज्यादा मतलब लागत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और अच्छा मुनाफा कमाया। तो ठीक है जी भैया, धन्यवाद आपका। तो देखिए यार, लौकी का भाव रहा और आपको बता देते हैं।